पुलिस ने किया डबल मर्डर का खुलासा। साली के इश्क में पत्नी व बेटी की कर दी हत्या। यूपी के कौशाम्बी में सैनी थाना क्षेत्र के सिराथू कस्बे में मंगलवार की शाम एक शख्स ने साली के इश्क में अपनी पत्नी और मासूम बेटी का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दिया था। खास बात यह है कि आरोपी पति ने मृतक सरिता से लगभग 9 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन उनकी जिंदगी के बीच में मृतक सरिता की बहन आ गई। साली से प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पति अपनी पत्नी के प्यार को भूलकर प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया। दोनों हत्या का खुलासा आरोपी अजय साहू और प्रेमिका के मोबाइल कॉल पर घंटों हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए हो सका। आपको बता दें कि सैनी थाना के सिराथू नगर पालिका में कल शाम एक महिला और एक मासूम बच्ची की हत्या हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हत्या बीजेपी विधायक के घर के बगल में हुई थी, तो हड़कंप मचना लाजमी था। बीजेपी विधायक ने भी इस हत्या में अधिकारियों से बातचीत कर जल्द खुलासे की बात कही थी। पुलिस ने जब इस घटना की जांच शुरू की तो उनके सामने जो आया वह सबके लिए चौंकाने वाला था। दोनों कत्ल के पीछे पति ही था। पुलिस के सामने ऐसे रो रहा था मानो वह कातिल नहीं है, और इसे हत्या का बहुत दुख है, लेकिन कातिल की फोन कॉल की डिटेल ने इन दोनों हत्याओं का खुलासा कर दिया। कल हम लोगों को शाम में लगभग 7 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि सिराथू में एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई है। तत्काल उस सूचना पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे अपनी फॉरेंसिक यूनिट के साथ, और वहाँ हम लोगों ने जांच शुरू की। उस जांच में हम लोग लगातार हम लोगों ने कई सारी टीमें बनाई थी इसके लिए, अनावरण के लिए, और इस घटना का हम लोगों ने आज सफल अनावरण कर लिया है। इसमें घटना इस तरह से कारित हुई थी कि इस महिला का जो पति है इसने ही उस घटना को अंजाम दिया था, और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहानी रच दी कि जब ये सुबह वहाँ से 9 बजे 10 बजे उसने कहानी ऐसी गढ़ी कि 9 बजे वो घर से निकला इलाहाबाद के लिए, और जब वो वहाँ से लौट के आया तब उसने देखा कि 6 बजे की इसके पत्नी और इसके बच्ची की हत्या कर दी गई थी। जबकि जो कहानी जो जी इन्वेस्टिगेशन में हमारे निकल कर आई वो ये है कि ये व्यक्ति ने सुबह सुबह ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद चूँकि इसकी बच्ची भी जग गई थी उस समय, तो इसको पकड़े जाने का खतरा हुआ, तो उसके बाद उसने अपनी बच्ची का भी हत्या कर दी। उसके बाद जो आला कसल था वो भी घर में छिपा दिया था, जिसको कि हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके बाद ये अपने बिल्कुल एक फिट पैटर्न के हिसाब से प्रयागराज गया, और प्रयागराज में जाकर इसने कुछ दुकानों से कुछ खरीदे सामान ताकि वहाँ पर एक एविडेंस क्रिएट हो। उसके बाद सिराथू में भी आकर कुछ जगह इसने समोसे खरीदे, कुछ चीज़ें खरीदी, और हम लोगों को इस चीज़ को लेकर भ्रमित करने का प्रयास किया कि देखिए ऐसे ऐसे एविडेंसेज हमारे पास हैं कि हम इन लोगों के पास गए थे। सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया, और सर्विलांस के माध्यम से भी हम लोगों ने पता लगाया कि इसके अपनी साली से संबंध थे, और दोनों ने मिलकर इस चीज़ को प्लान किया था कि अपनी बहन को, साली का ये कहना था कि उसकी बहन को हटाना ज़रूरी हो गया था रास्ते से, क्योंकि उसके रहते वो लोग साथ में नहीं रह सकते। उसी क्रम में ये प्लान हुआ और ये घटना कारित हुई, और इस पूरी घटना को हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, और टीम को मैं नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करूँगा। और इसे एक मैसेज भी ये है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम लोग बिल्कुल उसको सीरियसली लेते हैं, तत्काल उसका अनावरण हम लोग करते हैं। बिल्कुल ये चीज़ उनके इंटरोगेशन में भी है कि उसके बाद उसके पहले भी इसने बताया था कि इसे गंगा स्नान करना है। ये एक तरीके से कोड था कि हाँ ये जो है कल घटना जो है हो जानी है। उसके बाद भी इन लोगों ने उस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ ये घटना हो गई है। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक कहानी बनाई।